एवरीवन, शुभ सप्तमी गाइस। चलो दुर्गा पूजा स्टार्टेड। कल से मैं जा रही हूँ मंदिर और आज दिस इज माय आउटफिट। एक बार देख लो, रेड साड़ी और मैं फुल्ली, देखो आज बिंदी बिंदी भी लगा ली और कान में भी झुमके मेरा और महापर भी लगाई एक में। ये देखो आज मैंने महावर भी लगा लिया, सिर्फ नेल्स कराना बाकी है, वो घर आके करूंगी, देखा जाएगा। और मैं आज मेरे साथ जा रहा है बस में, रेडी हो गया है। आज हम दोनों साथ साथ जा रहे हैं। बोलो शुभ सप्तमी। चलो निकलती हूँ फटाफट से, मैं मिलती हूँ मंदिर जाके एक ही बार में आप लोगों से। और जी मैं पहुंच गई हूँ मंदिर में। ये एरिया थोड़ा सा साफ सफाई कर रही हूँ और चोई दीदी के साथ थोड़ा सा बात कर रही थी मैं कि ये एरिया साफ क्यों नहीं है, तो वो बोल रही थी देखो ना कल सब कोई आया था तो यहाँ साफ करने वाला लेकिन कोई नहीं है। तो बस साफ सफाई करके यहाँ पे अभी मैं बनाऊंगी पूरी और सब्जी, क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है ना उसका पूरा जिम्मेदारी मेरी होती है। सुबह में पूजा के दिन में ना ऐसे ठाकुर बाड़ी में जितने लोग आते हैं सुबह में, बेसिकली एकदम मॉर्निंग में आते हैं बहुत सारे लोग, उन्हीं लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनते हैं। कम से कम 60 लोगों का तो ब्रेकफास्ट बनता ही है। और बस यहाँ पे बॉडी भी बैठी हुई थी, इनको तो आप लोग पहचानते ही हो जो गणेश पूजा में ठाकुर बाड़ी का सारे रिलेटिव्स को आप लोग तो देखे ही हो, पहचानते ही हो। तो बस हम लोग बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे थे और साथ में हाथ चल रहा था, काम भी कर रहे थे। और यहाँ पे माइंड भी आ गया कि मम्मा आप लोग क्या बात कर रहे हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है इसलिए प्लीज़ पे मी फॉर दैट, क्योंकि मयंक ये शूट कर रहा है क्लिप तो वो जबरदस्ती मम्मा हमको करना है तो चलो भाई तुम कर लो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं सब्जी बनाने की तैयारी में हूँ। आलू कट हो गया है, आलू मैं छुरा रही थी और बोदी जो है वो भाभी कट कर रही थी। और बस हम लोग यहाँ पे एक्चुअली जो पंचफोरन होता है ना वो डाल के आलू की सब्जी बनाऊंगी प्लेन सा। ये वाली सब्जी का रेसिपी बहुत बार मैंने घर पे बनाई भी हूँ एक दो बार और उसका रेसिपी भी शेयर की हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कैसे पानी घाट रहा है, कितना बार मैंने मना कर रही हूँ कि बेटा इतना पानी लेके मत करो, लेकिन वो सुनने वालों में से तो है नहीं, कहाँ से एक पिचकारी जुगाड़ लिया है, अब उसी में ही पानी भरा। पानी के साथ साथ पता है वो साबुन भी डाले, वो मुझे पता नहीं, अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब देख रही हूँ कि लिक्विड सोप जो हाथ धोने वाला होता है वो भी डाल लिया। तो बस यहाँ पे वो दीदी भी आ गई है, नीलिमा दी भी आ गई, वो बोल रही थी मुझे कोई कोई हम लोग, ये ना मंदिर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, हम लोग बातें करते रहते हैं और उसके साथ हाथ भी चलता है तो कब काम फिनिश हो जाता है ना वो पता ही नहीं चलता। सबसे ज़्यादा बातें हम ही कर रहे थे और सब कोई बहुत हंस रहा था, तो इतना इन्जॉय किए ना हम लोग क्या ही बताए। पूरा दुर्गा पूजा का ये 4-5 दिन जो होते हैं ना एकदम ब्लेसिंग्स टाइम होते हैं, मेरे लिए तो बहुत ब्लेसिंग्स टाइम होते हैं, क्योंकि घर में पूरा दिन आप लोग तो जानते ही हो अकेले ही रहती हूँ, हस्बैंड निकल जाते हैं, मैं निकल जाता है, मैं खुद में काम करते रहती हूँ, बातें साथे करने वाला उतना तो कोई है नहीं। लेकिन मंदिर में आती हूँ ना मतलब एकदम भाग भाग के मैं आ जाती हूँ दुर्गा पूजा में। इस 4-5 दिन सुबह में उठती हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं मंदिर भागती हूँ क्योंकि सब कोई आया हुआ रहता है, इतने सारे बातचीत होते हैं। देखो भाभी ना आलू कम हो रहा था तो भाभी आलू कट करके लेके आई, वही बोल रही थी कि देखो यहाँ पे सामान कितना गंदा हुआ है, हाँ कोई एक नहीं है साफ करने वाला, वही हम लोग बातें चाते कर रहे थे। होता है ना कि 4 औरत मिल जाए तो कितना गॉसिप्स होते हैं, तो बस वही हम लोगों के साथ भी वही चीज़ है कि 4 औरत मिल जाए तो इतना सारा गॉसिप्स होते हैं ना, मतलब क्या ही बताएं आपको। और इस टाइम पे दादा भी मंदिर पहुंच गए थे तो वो हमको बोल रहे थे इतना ज़्यादा तुम लोग बातचीत करते हो मंदिर में, सच में काम हाथ चलाओ और बातें कम करो। तो वही क्योंकि पूजा का वक्त हो रहा है तो यहाँ पे आदमी आना भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी है, ये देखिए हरी मिर्च डाल के टमाटर डाल के मैं सब्जी बनाई हूँ। और सबको इस बार 4 दिन जो मैं सब्जी बनाई थी तो सबको इतना पसंद आया है सब्जी, और
और मंदिर पहुंचने के साथ साथ मैं स्टार्ट कर दी हूँ काम, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट का जिम्मेदारी है मेरी, ये तो आप लोगों को पता ही है। और बस उसी का तैयारी चल रही है अभी यहाँ पे। अच्छा, किसी ने मुझे कल सवाल किया था कि दी आप गला खाली मत रखा करो, तो खाली नहीं है ये, देखो ये है मतलब खाली नहीं रखी हूँ, आप लोग हमेशा बोलते हो ना, तो बस ये रखी हूँ मैं चेन। मंगलसूत्र आप बोलोगे, मंगलसूत्र सोने वाला ना दुकान में रखा हुआ है और वो अभी तक दुर्गा पूजा के बाद ही मुझे मिलेगा, तो तभी मैं पहन सकूँगी। एनीवेज चलो देखिए मयंक क्या कर रहा था। तो मयंक को देखने के बाद सब कोई मतलब देख के आई क्या कर रहा है, वो खेल ही रहा था, तो सबने बोला कि चाय बनाओ, तो मैं यहाँ पे सबके लिए चाय बना रही हूँ। इकट्ठे बहुत सारा चाय बना है, तो एक्चुअली मेरे हाथ का चाय पता नहीं मंदिर में सबको बहुत पसंद आता है, तो सबको एक थोड़ा सा मीठा ज़्यादा देके बनाती हूँ ना शायद इसीलिए। तो बस सबको बोला कि चाय बनाओ चाय बनाओ, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। ये जो एरिया है ना, ये किचन रूम नहीं है, किचन का बाहर है जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है और माँ का भोग अलग से बनता है, वो जगह मैं नहीं दिखा सकती हूँ, सॉरी। वहाँ पे सबका जाने का परमिशन नहीं है, कुछ ही लोग जा सकते हैं। तो बस ये जो दीदी है ना, ये तो आप इनको पहचानते हो, ये पंडित जी का वाइफ है, ये जा सकती है, और वो जो मौसी है यहाँ से आना जाना कर रही है। और ये देखे मैं इनको, मैं अपना चाय रखी थी ठंडा हो गया, वो चाय में सिप लगा रहा है। ब्रेकफास्ट सबका बना लिए और सबसे बड़ी बात आज मुझे ये मिला। किससे मिला? कि मेरा एक सब्सक्राइबर है जो यहाँ आती है, अभी मेरा फ्रेंड है वो, और वो मुझे ये गिफ्ट किया है। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, दिस इज़ अमेजिंग, मतलब दिल से मुझे दुर्गा पूजा गिफ्ट मिला। थैंक यू सो मच दी है, ये देख, शी इज माई फ्रेंड नाउ। और ये मंदिर में आती है और मुझसे मिलने आई थी एक बार, और उसके बाद मंदिर में आती है तो बस यहाँ पे मंदिर का काम में जुट जाती है। आंटी भी आई हुई है साथ में। बस अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ये मैं अलग से कुछ नहीं ली हूँ, मैं ये खाना छोड़ दिया है, नहीं खाया है, तो बस मंदिर का हर चीज़ प्रसाद हो जाता है, प्रसाद। और जी ये हो रहा है भोग आरती, और उसमें मयंक, देखिए मयंक का कंट्रीब्यूशन, वो यहाँ पे जो घंटी है वो बजाने का उसका जिम्मेदारी है, बखूबी निभा रहा है मेरा लड़का, देख के बहुत दिल खुश हो जाता है। और दिस इज द भोग, माँ का भोग चढ़ाए सप्तमी का, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, भोग दर्शन करने से सारे पुण्य हो जाते, पाप धुल जाते हैं, बोला जाता है ऐसा कि सारे पाप धुल जाते हैं। और बस यहाँ पे ये इनके साथ थोड़ा सा सेल्फी वेल भी हम लोगों ने लिया, मुझे इतना खुशी हुई ना, मैं क्या ही बोलूँ कि मुझे क्लासर मिला और दादा यहाँ पे आरती स्टार्ट कर चुके हैं। का जिम्मेदारी हस्बैंड ले लिए हैं, और देवर जी भी आए हुए हैं बगल में, आप लोग तो पहचानते ही हो। और बस ये है महासप्तमी का आरती, आप लोग भी ले लीजिए, सारे मनोकामनाएं पूरे हो जाते हैं। बोला जाता है आज के दिन माँ दुर्गा से जो भी मांगना है मांग लीजिए, सारे मन की मुरादें पूरे होंगे।
और यही आस लगाते हैं कि आने वाले साल बहुत अच्छे से बीते, आने वाले महीने बहुत अच्छे से जाए, शुभ शुभ जाए, खुशी खुशी जाए। तो चलिए माता आरती देखते हैं। और जी अब बारी आती है टीका लगाने की। पूजा कंप्लीट हो चुका है, दादा सबको टीका लगा रहे हैं। मुझे मिल गया टीका भगवान जी का। और जी माँ का भोग हो चुका है और बस भोग की जो थाल है वो सारे उठा के अंदर ले जाया जाएगा और ये जिम्मेदारी मेरी होती है कुछ हद तक। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ अभी, माँ का भोग का जितना थाली है और जितना कटोरी है, जितना ग्लासेस है, सब ले लेके निकाल रही हूँ। ये भाभी भी साथ में काम कर रही है मेरी, और भोग का थाल जो है ना तो वो सारे अंदर रखा जाएगा और उसके बाद सबको प्रसाद दिया जाएगा। तो ये इसीलिए सारे थाल को मैं अंदर रख रही हूँ और ये लास्ट बैच है भोग का प्रसाद का। और सारे लोग खा चुके, पहले बहुत भीड़ भाड़ थी और अभी ये लास्ट और खाली हम लोग ही बाकी है। तो अभी सर्व अप कर लिए, सब खाना वाना खा लिया, हम भी थोड़ा सा प्रसाद ले लिए। सुबह में पूरी खाते ना तो खाने का मन उतना नहीं हो रहा था, थोड़ा सा मिठाई खाए बस। अभी चल रहे घर क्योंकि पूजा यहाँ का कंप्लीट हो चुका है। तो चलो घर पहुँचती हूँ और नया व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ आज कहाँ जाती हूँ, तो वो नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। फिलहाल तो बहुत टायर्ड हूँ, चलो घर पहुँचती हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। जी मैं पहुँच गई हूँ घर और रूम का हालत थोड़ी सी अफरा तफरी हो गया है क्योंकि सुबह से मैं निकल गई थी ना मंदिर के लिए। तो बस अभी थोड़ा सा रूम क्लीन करूँगी और कल रात को जो कपड़े धोई थी तो वो सारे डाला हुआ है ऊपर, में देखूँगी सूखा है तो उसको तय बना के रखना है। और शाम को कहीं निकलेंगे तो उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगी क्योंकि इस वाले व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो चलिए आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और दुर्गा पूजा मंदिर का आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताइएगा। तो जी आज का ये वाली व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी पसंद आए, सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज फॉर्मा कुर्मी व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। कल मिलती हूँ मैं एक फ्रेश ब्लॉग में। बाय बाय, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू गाइज। बाय।